बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, ठीक है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि आपकी फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। बच्चों ये पार्ट 3rd है, जिसमें आज जो है वो आपका ये चैप्टर फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 एंड 2। इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, जिसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाई गई है, ठीक है, अराउंड 10 से 12 मिनट की ये वीडियो बनेगी आपकी, तो ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक्चर है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इसको हम ऊष्मा बजट भी कह सकते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी ऊष्मा को ना तो संचय करती है ना ही तो ह्रास करती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो इस ऊर्जा को, ठीक है, कौन सी, ये जो ऊर्जा है इसको ना ही तो इकट्ठा करती है ना ही तो उसको खत्म करती है, बस क्या करती है, ऊर्जा को ग्रहण करती है, ठीक है, और वापस उसे विकेत देती है, यानी कि भेज देती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है, ठीक है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित, प्रकीर्ण एवं अवशोषित हो जाता है, केवल शेष भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। बच्चों एल्बिडो के ऊपर एक बहुत बड़ा जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा, हमारी ये जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, ठीक है, यहां से जो ये ताप जाता है, सूर्य ताप जाता है, जो ऊष्मा जाती है, जो ऊर्जा जाती है, ठीक है, ये क्या होता है कि बीच में जो वायुमंडल होता है हमारा, ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है। मान लीजिए यहां से अगर 100 पॉइंट जाने हैं ऊर्जा के, तो वायुमंडल में अराउंड मान लीजिए 70 से 80 जो पॉइंट है वो क्या होंगे, अवशोषित हो जाएंगे, और जो बाकी के बचे 20 पॉइंट ये जाते हैं पृथ्वी के पास। तो ये जो प्रक्रिया होती है 70, 80 और 20 की 100 की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो एल्बिडो क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं तापमान का वितरण, अब हम पढ़ेंगे तापमान का वितरण किस तरह से होता है। देखिए ये वो तापमान नहीं है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये वो तापमान है जो ऊष्मा बजट से संबंधित है, ठीक है। तापमान के वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी की जो रेखाएं होती हैं उसकी रेखाओं के द्वारा से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये समान ताप वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती है। सेकेंड है, समताप रेखाएं अक्सर अक्षांशों के समांतर बनती हैं। जो समताप रेखाएं होती हैं हमारी, ये किसके समांतर बनती हैं, अक्षांशों के। इस सामान्य प्रवृत्ति से विचलन विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की तुलना में जनवरी से ज्यादा होता है, यानी कि यह जो तापमान होता है, ठीक है, ये पृथ्वी पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये तापमान की जो प्रक्रिया है, ये जुलाई और जनवरी, ठीक है, एक है जुलाई और एक है जनवरी, इसके बीच में अधिक फर्क पाया जाता है। बच्चों पार्ट 1st में हमने अपसौर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उपसौर के बारे में। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है वो पृथ्वी के ऊष्मा बजट को प्रभावित करती है, ठीक है। अब वो कैसे करती है उसे देखते हैं। तो देखिए अगला है, उत्तरी जो उत्तरी गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा भूभाग ज्यादा है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भूभाग कम है, सॉरी जो उत्तरी गोलार्ध है इसका भूभाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध का भूभाग जो है वो कम है। साथ ही समुद्री धाराओं का प्रभाव भी ज्यादा दिखाई देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको बताने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि तापमान यानी कि ऊष्मा बजट के संबंध में समताप रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध ये सभी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऊष्मा बजट के संदर्भ में। अब देखिए जैसा कि यहां पे बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की तुलना में जनवरी से अधिक ज्यादा स्पष्ट दिखता है, तो अब हम जो है वो इन्हीं दोनों स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, एक जनवरी की स्थिति, ठीक है, और एक जुलाई की स्थिति। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये वो पिक्चर है जिसमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ये है सन। तो अब इसी से
हम पूरे डायग्राम को समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे जनवरी की। तो जनवरी की हम बात करते हैं, सबसे पहले जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर तथा महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर झुक जाते हैं। जनवरी का मध्य मासिक तापमान विषुवतरेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, उष्णकटिबंधों में 24 सेल्सियस से ज्यादा, मध्य अक्षांशों पर 20 सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस एवं यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री एवं सेल्सियस और 48 सेल्सियस तक ये अंकित होता है। यानी कि जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध से, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ से जब आप इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, जो तापमान होता है वो घटता जाता है, तापमान क्या होता है, माइनस होता जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता कम होती है क्योंकि वहां पर जल भाग है, और आपको पता है कि जो समुद्र है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जो तापमान है वो काफी उसमें भिन्नता होती है, यानी काफी कम पाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, काफी अधिक होता है। अब देखिए यहां पे चित्र की सहायता से समझते हैं, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यहां पे आप इसे समझ लीजिए, ये है आपका साउथ और ये है आपका सॉरी ये जो है आपका, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान जो है वो धीरे 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 माइनस की तरफ होता चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा उत्तरी और ये हो गया हमारा दक्षिणी, ये गोलार्ध जो है इसमें समुद्री जो भाग होता है, ठीक है, समुद्री भाग काफी अधिक होता है, इसीलिए यहां पे जो तापमान है वो काफी मात्रा में कम भी होता है और उसमें अलग अलग जगह पर जो भिन्नता है वो भी हमें देखने को मिलती है, जबकि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में ऐसा नहीं होता। चलिए ये तो होगी आपकी जनवरी की स्थिति, जिसमें कुछ ये डाटा आपको याद रखना होगा, जैसे उष्णकटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस, मध्य अक्षांशों पर 20 से 0, आंतरिक भाग में कहां पे यूरेशिया के -18 से 48 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी स्थिति है बच्चों जुलाई की, ठीक है, दूसरी स्थिति है आपकी जुलाई के बारे में, इस मौसम में समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक के कोष्ठ का निर्माण महाद्वीपों के भीतर करती है। अर्थात जो समताप रेखाएं होती हैं ये जुलाई के महीने में क्या करती हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो बनाती हैं। यहां 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देखी जा सकती है। कहां पे, महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं, महाद्वीपों पे उत्तरी अक्षांश में कितनी होती है 40 और दक्षिणी में कितनी कितने डिग्री पाए जाते हैं 10 सेल्सियस। दक्षिणी गोलार्ध के समताप रेखाएं उत्तर की अपेक्षा ज्यादा सरल व सीधी दिखती हैं। यानी कि देखिए समताप रेखाएं जो है जहां पर सीधी होंगी वहां पे क्या होगा, तापमान जो है वो कम होगा, यानी कि तापमान जो है वो डिग्री में काफी कम होगा, जैसे 10, ठीक है, 15, 20 इस तरह से होगा। लेकिन जहां पे समताप रेखाओं में भी भिन्नता है जिस क्षेत्र में, जैसे कि उत्तरी अक्षांश में होती है, तो वहां पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जुलाई में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर प्रवेश करते हुए उत्तर की ओर तथा महासागर में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए जुलाई में क्या होता है कि जो समताप रेखाएं होती हैं जब वो महाद्वीप में प्रवेश कर रही होती है तो ये कहां जाती है, उत्तर की ओर, और महासागरों में प्रवेश करती है जो कि दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। महाद्वीपों में किस तरफ जाती है, उत्तर की ओर, और महासागरों में किस तरफ जाती है, दक्षिण की ओर। इसीलिए जो उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में क्या है, महाद्वीप है यानी कि स्थल भाग है जो कि गर्म रहता है अधिकतर, तो क्या होता है यहाँ पे तापमान अधिक होता है। अब ये महासागर में जाएगा तो समुद्र है, तो आपको पता है समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसीलिए जो महासागर है यानी कि दक्षिणी जो एरिया होता है, दक्षिणी अक्षांश जो होता है वहां पे तापमान कम होता है। अब एक उदाहरण है आपका साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर का अधिक होना। कोष्ण महासागरीय धारा जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, ये कहां, उत्तर की ओर मुड़ जाती है। कोष्ण महासागरीय धारा कहां मुड़ जाती है, गल्फ स्ट्रीम के उत्तर की ओर।
तथा उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं तथा उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की उपस्थिति में उत्तरी अटलांटिक सागर ज्यादा गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। अर्थात यहाँ पे साइबेरिया के उदाहरण का अर्थ क्या है, यहाँ पे यह समझाया गया है जो कोस्ट महासागरीय धाराएं होती है गल्फ स्ट्रीम की तरफ उत्तर की तरफ मुड़ती हैं, यानी कि जो धाराएं होती हैं, ठीक है, वो कहां जाती हैं, नॉर्थ की तरफ, और उस जहां पे भी ये जाएंगे, जिस भी एरिया में जाएंगे ये नॉर्थ की धाराएं, वहां का तापमान जो है बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की उपस्थिति में जो सागर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ में हमने देखा है कि उत्तरी अक्षांश में तापमान अधिक होता है, तो ये जब वायु है वो कहां जाएगी, इस ड्रिफ्ट की तरफ, तो क्या होगा, वहां का सागर भी अधिक जल्दी गर्म हो जाएगा और समताप रेखाएं फिर बाद में मुड़ जाती है। तो ये पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में कुछ जानकारी थी, जो कि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आज खत्म होता है। एंड बच्चों, एंड में जाने से पहले आपसे एक सुझाव मैं मांगना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर जो बच्चों आपको समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर उसमें अभी कोई और सुझाव करने की जरूरत है, ठीक है, और आपका कोई सुझाव हो पढ़ाई को लेकर तो वो जरूर बताइएगा, वीडियो टाइमिंग को लेकर कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते थे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।